गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल GTU स्टूडेंट्स में। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आप मानोगे नहीं, मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, ठीक है। क्या पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन वीडियोस कई बार डिलीट हो चुके हैं, मुझे खुद नहीं पता। और फिर जब मैं ड्रेस पिन में देखता हूँ तो दिखाई नहीं देता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशन में भी फ्रेंड्स ये मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, और जब मैं थर्ड बार बना रहा था तब अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपलोड तो हो गया था लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मैं चौथी बार बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ यार शेयर कर दो यार। मैंने ये पूरी एक वीडियो सीरीज़, मतलब सीरीज़ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये वीडियो में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ OR मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेफिनेशन ऑफ OR से हम स्टार्ट करेंगे। विद इन 4 या तो फिर 7 मार्क्स के अराउंड आता है, ये घटकर कुछ 3 मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 7 मार्क्स के ज़्यादा भी शायद आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो फिर 12 मार्क्स हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। या तो फिर 2 अगर 4 मार्क्स से पूछे जाए तो फिर 8 मार्क्स होते, देख ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो डेफिनेशन ऑफ OR से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ OR वो क्या कहती है, तो OR इज द आर्ट ऑफ विनिंग वॉर्स विदाउट एक्चुअली फाइटिंग, ठीक है। ये उत्तर क्लार्क के द्वारा दी गई है, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ OR जो है वो उसकी शुरुआत वॉर से ही हुई है, ठीक है। मतलब कि पहले के ज़माने में राजा क्या करते थे कि भाई उनको किसी अगर किले या तो फिर फोर्ट आप बोल सकते हो, तो उसके ऊपर चढ़ाई करने जाते थे। तो फिर वो प्लानिंग करते थे कि भाई यहाँ से घोड़े इतने जाएंगे, यहाँ से गधे तो नहीं आते, लेकिन जो हाथी है, ठीक है, तो उनकी सेना इतनी परसेंटेज इतने यहाँ से जाएगी, इतनी यहाँ से जाएगी, अमुक कुछ पीछे से जाएगी, ठीक है। ऐसा हम क्या करते थे, वो पहले के ज़माने में वो प्लानिंग करते थे, ठीक है। तो ये जो है वो वॉर्स जो है विथआउट एक्चुअल फाइटिंग है, ठीक है। फाइटिंग किए बिना पहले से ये हम नक्की करते हैं, ठीक है, प्लान बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड OR, जो ऑथर क्लार्क के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्या, इट इज़ कनेक्टेड विद साइंटिफिकली डिसाइडिंग हाउ टू बेस्ट डिजाइन एंड ऑपरेट मेन मशीन सिस्टम यूजुअली अंडर कंडीशंस रिक्वायरिंग द एलोकेशन ऑफ द स्केयर सोर्सेज, यानी कि साइंटिफिकली मेथड है, ठीक है, हाउ टू बेस्ट डिजाइन एंड ऑपरेट मेन मशीन। नेक्स्ट क्या है, OR इज द आर्ट ऑफ गिविंग बेल्ड आंसर टू द प्रॉब्लम विच अदरवाइज हैव रोस्ट। अगर हमें कुछ कंडीशन ऐसी पता है कि जिसमें नेगेटिव आंसर ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से हम पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वही हमें OR जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, OR इज द साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, और ऑल्सो OR इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टेक्निक्स एंड टूल्स टू प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम एज टू प्रोवाइड दोज इन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम विथ ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देखो फ्रेंड्स, कुछ डेफिनेशन आपको दिमाग माइंड में रखनी है, ठीक है। कई बार क्या पूछता है, सपोज मैं एक अगर आंसर दूँ, जैसे कि मैंने ना गए साल का एक पेपर उठा के देखा था, तो उसमें क्या लिखा था, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, तो OR इज द आर्ट ऑफ गिविंग बेल्ड आंसर टू द प्रॉब्लम विच अदरवाइज हैव अ रोस्ट आंसर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप यही आंसर है, ठीक है, TLCT में आप अगर इतना लिखोगे तो फिर आपके 3 मार्क्स सबके जेब में आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने ये 4 डेफिनेशन लिखी है फ्रेंड्स, 5 डेफिनेशन लिखी है। आपको अगर पूछा जाए तो फिर आपको लिख के आना है, ठीक है, 2 डेफिनेशन तो मिनिमम आपको लिख के आना है फ्रेंड्स। अगर आपको ये नहीं पूछा गया तो फिर लिखो, ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन आपको गलत नहीं लिखना है। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि इसमें अगर मैं ट्रिक बात करूँ तो द OR इज द आर्ट ऑफ विनिंग वॉर, ठीक है, तो उसमें आर्ट आया यानी कि ए आया, तो फिर आप ए से हम ऑथर क्लॉर्क आप याद रखो, ठीक है। फिर दूसरी क्या है, इज द कनेक्टेड विथ साइंटिफिकली डिसाइडिंग, ठीक है, ये साइंटिफिक वो सब आ गया, तो वो क्या है, द सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ठीक है, जिसमें मेन मशीन आ गए। तो एलोकेशन की बात करें यानी कि सोसाइटी ऑफ अमेरिका, OR सोसाइटी ऑफ अमेरिका याद रखो। OR इज द आर्ट ऑफ गिविंग बेल्ड आंसर, यानी कि आर्ट में अगर आप याद रखो, बेल्ड आंसर अगर आया तो TLCT, ठीक है। इसमें क्या था, आर्ट ऑफ विनिंग में ऑथर क्लार्क याद रखना, और बेड में आएगा TLCT, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, OR इज द साइंटिफिक अप्रोच, तो साइंटिफिक अप्रोच में आपको एच आएगा, ठीक है, तो एच से आप HM वैगनर याद रखना, ठीक है। OR इज द एप्लीकेशन ऑफ, इसमें आप क्या करना है ये तो फिर कोई बात नहीं, अपने आप से आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पूछा था इतना। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट फेजेस इन OR, ठीक है, तो इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, इसमें अगर सिंपल ट्रिक बता दूँ, अगर आपको माइंड में याद रखने की हो तो फिर देखो फ्रेंड्स, इसमें ना थोड़ा लिखने का थोड़ा आपको बहुत बड़ा, मतलब आपको कुछ याद नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स में बता देता हूँ तो आप में सेम ही आएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको पहला आंसर, पहले आपको पॉइंट पढ़ के निकाल के क्या रखना है कि भाई ये फॉर्मुलेट करता है, ठीक है।
और आपको दूसरा पॉइंट क्या करना है कि ये तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि भाई ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट फेजिस ऑफ ओआर है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि भाई इसमें फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो वो क्या है, तो इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप विच इज़ यूज टू डिफाइन प्रॉब्लम बाय गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड देयर आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन विच लीड्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि हमें फॉर्मुलेशन करना है, ठीक है। तो ये जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें जो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल मॉडल। यानी कि अब हमें दूसरा, जैसे कि मैंने दो पॉइंट कहा कि भाई इसमें क्या करना है फॉर्मुलेशन में, कि भाई ये पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, फेजिस ऑफ वॉर का। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बेसिक फॉर्मुलेशन होता है। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, भाई इसमें फॉर्मुलेट करना होता है, ठीक है। वैसे ही हमें दूसरा इसमें क्या लिखने का है कि भाई ये फॉर्मुलेट ऑफ द प्रॉब्लम के बाद दूसरा स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरा हम क्या पॉइंट मानेंगे कि भाई इसका नेम है कंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, वंस द फॉर्मुलेशन इज फॉर्मल द नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था वैसे ही लिखने का है, वंस द प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन टू मैथमेटिकल मॉडल बट दैट रिप्रेजेंट द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन डिवाइडेड टू द शोन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल पैरामीटर आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने का है, इसके तीन पार्ट है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, दिस गिव द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, इसमें इफेक्टिवनेस डाला जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी कि क्या है कि भाई उसमें इट रिप्रेजेंट द फिजिकल लिमिटेशन, इसमें हमें कुछ लिमिटेशन डालनी है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड वन इज क्या है कि भाई डिसीजन वेरिएबल्स, यानी कि दिस आर अननोन वैल्यूज विच आर नियर टू डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कुछ डिसीजन आएगा तो वो जो प्रॉब्लम है वही आपको आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज सॉल्व द मॉडल, ठीक है। सॉल्विंग द मॉडल में जैसे मैंने कहा था आपको यहाँ पर स्टेप बने कि भाई हमने पहला कौन सा फॉर्मूला था प्रॉब्लम, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मैथमेटिकल मॉडल, थोड़ा उसके बाद हमें दूसरा स्टेप क्या लगेगा कि भाई सॉल्व द मॉडल देखेंगे, वैसे जब हमको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें हम क्या देखेंगे, द कनेक्टेड मॉडल इज नाउ सॉल्व टू गेट द डिफरेंट सॉल्यूशंस। देयर आर थ्री मेथड्स विच इज इंट्रोड्यूस टू सॉल्व ऑफ कंस्ट्रक्टेड मॉडल। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल मेथड, अंडर दिस मेथड कंस्ट्रक्शन इक्वेशन आर बीन सॉल्व बाय सॉल्व यूजिंग द मैथमेटिकल टूल्स सच इज मैट्रिक्स एलजेब्रा कैलकुलेशन लिनियर प्रोग्रामिंग। यानी कि हम ये तीन चार का यूज करेंगे, हम एनालिटिकल मेथड में हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, अंडर दिस मेथड स्पेसिफाई एल्गोरिदम इन यूज विच इज स्टेप सॉल्व स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व द कंस्ट्रेंट। यानी कि हमें कंस्ट्रेंट जो है वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे हमें न्यूमेरिकल्स मेथड मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा जो एल्जेब्रा थर्म है, ठीक है, वो सब अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमुलेशन में क्या होता है कि भाई इन दिस मेथड इज यूज व्हेन द अबाउट टू मेथड्स इज फेल टू गिवन द रिजल्ट इन विच पास्ट डेटा इज यूज टू बिल्ड द मॉडल। यानी कि अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स गिने, ठीक है। तो अगर सिमुलेशन में हमें क्या करना है कि भाई ये दोनों मेथड अगर यूज़ नहीं होती है, वहाँ हम इसमें क्या करेंगे, जो ओल्ड डेटा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो हम क्या करते हैं एग्जाम के दौरान कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि भाई इसमें से कितना कितना पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे इसमें सिमुलेशन करना है पास्ट डेटा के हिसाब से। फोर्थ वन इज वैलिडेशन ऑफ द मॉडल, यानी कि वैलिडेशन क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑब्टेन इन थ्री पेजेस, हमें थ्री पेजेस में सॉल्यूशन मिला, ठीक है, आर पार्शियल विच नीड टू बी वैलिडेड विद द एक्चुअल डेटा, ठीक है। इसमें हमें क्या किया था कि भी जो पास्ट डेटा को कंपेयर किया था, तो इसमें क्या करना है कि भी कौन सा डेटा वैलिड है, ठीक है, कौन सा डेटा वैलिड है तो हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो वो क्या कर रहे, वहाँ हम क्या करेंगे, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वैलिडेशन ए मॉडल इज बाय कंपेयरिंग प्रेजेंट डेटा विथ पास्ट डेटा और रिजल्ट अंडर द सिमिलर कंडीशंस इन इनपुट। इफ द रिजल्ट आर रिप्रोड्यूस देन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन मॉडल कैन बी एक्सेप्टेड। यानी कि हमें क्या करना है कि भाई प्रेजेंट डेटा जो है उसके साथ हमें पास्ट डेटा को कंपेयर करना है और जो बेटर लगे तो उसे हम सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन, एस्टैब्लिशिंग द कंट्रोल ओवर द सॉल्यूशंस। इसमें हम क्या करेंगे कि वंस द मॉडल इज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड सॉल्व एप्रोप्रिएटली देन द सेम प्रोसीजर कैन बी फॉलो टू द अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स टू बी फॉर्मुलेटेड बाय जस्ट चेंजिंग द गिवन पैरामीटर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने क्या किया था, सिमुलेशन मेथड्स में हमने क्या किया था कि जो हमें डेटा जो है वो पास्ट के साथ देखना है, ठीक है। इसमें हमें क्या किया था, कंपेयर किया था, ठीक है। और इसमें हम क्या करना है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं, कुछ निगलिकेट करने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि कोई शायद फीडबैक देता है आपको, फीडबैक आपको चूज करना है, ठीक है, कि भाई ये प्रॉब्लम्स है तो उसमें फीडबैक क्या है, उसमें डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। तो आपको वो सब आपको निगलिकेट कर देने, और फिर आप इंक्लूड का क्या कर सकते हो, तो वो एस्टैब्लिशिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सॉल्यूशन पे आपको वो सब फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स वन इज इंप्लीमेंटिंग द सॉल्यूशंस। अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, वो सब कर दिया, मैथमेटिकल मॉडल भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, पास्ट डेटा के साथ कंपेयर भी कर दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि भी इंप्लीमेंट करना है। दिस इज द लास्ट फेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजिस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एज अ बेनिफिट्स कैन ओनली बी इक्वायर व्हेन द टेक्निक्स इज बीन इंप्लीमेंटेड। जब आपको इंप्लीमेंट ही करनी है तब आपको करना है, ठीक है। आपको सब क्या बोलते हैं उसको, सब आपको चीज़ फाइंड आउट कर देने, ठीक है, आपको वेरिएशंस नहीं लाना है। थर्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन शुड बी मॉनिटर कंटिन्यूसली एंड शुड बी अपडेटेड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। जब आपको अपडेट मिले कि भाई आपको कुछ प्रॉब्लम्स में खामी आई है, ठीक है, या तो फिर कुछ इम्प्लीमेंट करना हो तो आपको अपडेटेड रहना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही सब आता है डिफरेंट फेजेस ऑफ ओआर में। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो स्कोप ऑफ ओआर, ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं पूरी एक वीडियो में कवर कर दूंगा, आपको कहीं दूसरी ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो स्कोप ऑफ ओआर क्या कहता है, स्कोप ऑफ ओआर जो है वो फ्रेंड्स हमने कुछ फाइव टॉपिक्स में हमने किया था, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कहा था, मैंने पहले बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था, ये इसका सबूत है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं है। स्कोप ऑफ ओआर क्या कहता है, तो उसमें हम देखेंगे फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री, इसको हम एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, सॉरी एप्लीकेशन या तो फिर एडवांटेजेस आप लिख सकते हो, काउंट कर सकते हो, लेकिन मैंने उसका एक टॉपिक ही बनाया है, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओआर, तो हम सब कम काउंट करेंगे फ्रेंड्स। तो इंडस्ट्री में क्या है, तो फिर रिसोर्स एलोकेशंस, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम्स, इन्वेंटरी कंट्रोल, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये कुछ कुछ वर्ड्स आपने ओआर में ही हमने सुने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम आता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है, प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की फील्ड में स्कोप क्या है ओआर का, तो फाइनेंस सेक्टर में, अकाउंटिंग सेक्टर में, ब्रेक इवन एनालिसिस में, एडवर्टाइजिंग मिल गया सिलेक्शन में, सेल्स फोर्स कटिंग फोरकास्टिंग में, एडवर्टाइजिंग डिसीजन एनालिसिस में। देखो फ्रेंड्स, ये आपको कुछ भी करके माइंड में डाइवर्ट करना है फ्रेंड्स, किसी और माइंड में डाइवर्ट मत होने देना, ठीक है, माइंड में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक यूटिलिटीज में ट्रांसपोर्टेशन इन क्वीन प्रॉब्लम्स, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है स्कोप, कि भी आपको आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है वो कुछ कुछ एरियाज, जैसे कि सिटी एरिया है तो वहीं पर आपको रखनी है, ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च भी हो सके और फिर कस्टमर तक पहुंच भी सके, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, डिफेंस में अगर बात करें तो वेपन एलोकेशन, जैसे कि डिफेंस में मैंने बात की थी शुरुआती आर टॉप विनिंग वॉर, ठीक है, वॉर से ही हुई है, वेपन्स एलोकेशन, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज। तो प्लानिंग में कैसे ओआर हेल्प करेगा, नेक्स्ट इज प्लानिंग, तो प्लानिंग हम क्या करते हैं कि पहले से ही डिसाइड कर देते हैं, ठीक है, कि भाई कहाँ से हमें क्या करना है, ठीक है। अब ओआर का अगर पेपर है, ठीक है, 5 डेज बाकी है, तो आप क्या करोगे, सपोज सेवन्थ चैप्टर के अराउंड है, तो आप क्या करें, तो आप क्या करोगे, कुछ 2 दिन ऐसे आप करो लोगे कि जिसमें आप 2 चैप्टर कवर करोगे, ठीक है, 2 और 2 यानी कि 4 चैप्टर कवर हो जाएंगे, और बाकी के 3 डेज में आप 2 दिन में आप क्या करोगे, वो सबका रिवीजन, और फिर जो 6 डेज के अराउंड आपका पेपर है तो उस साइड आप सुबह जल्दी उठोगे और फिर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, वैसा आप प्लानिंग करते हो। तो वो प्लानिंग में क्या होता है, शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, सिक्वेंसिंग, मटेरियल प्लानिंग, ये सब इंडस्ट्री के रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओआर क्या करता है, तो यूज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टर्म्स में यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ओरिएंटेशंस, ठीक है। थर्ड वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी डिसीजन, ठीक है। फाइव वन इज इन अनकवरिंग हिडन प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ओआर की। फिर क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओआर, देखो फ्रेंड्स, जो कोई सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होता है,
डिसएडवांटेजेस भी होता है और कुछ लिमिटेशंस भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इसको लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेज आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कई बार एप्लीकेशन और फिर लिमिटेशन पूछ लेते हैं, कई बार एडवांटेजेस और लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो लिमिटेशंस ऑफ ओआर क्या है, तो भी लैक ऑफ क्वालिटेटिव एंड इमोशनल फैक्टर्स है, ठीक है। आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्टडी में। लिमिटेड फैक्टर है कैलकुलेशन, यानी कि ऑल फैक्टर कंसिडर रिक्वायर ह्यूज कैलकुलेशन टाइम एंड एनालिसिस, ठीक है। सभी फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन भी आएगा, टाइम भी जाएगा और एनालिसिस भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा। नीड स्पेसिफाई स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही लंबा लगता है, यानी कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा होता है, तो फिर आप यूट्यूब में ऊपर जो है वो राइट साइड में थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, तो वहीं पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको जो स्पीड है मेरी वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिमिट एप्लीकेशन ऑफ ओआर क्या कहता है, तो लोकेटिंग फैक्ट्रीज एंड वेयरहाउस टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग एलोकेशन टू मशीन फॉर मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन। थर्ड वन इज म्यूनिसिपल एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। इन्वेंटरी प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक कंट्रोल, पेट्रोकेमिकल मिक्सिंग, मटेरियल हैंडलिंग, मिलिट्री एंड डिफेंस, डिवाइडिंग एडवर्टाइजिंग बजट, डीलिंग विथ वेटिंग टाइम्स। और कुछ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें तो इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट, ठीक है, फिर मिलिट्री डिफेंस, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर मार्केटिंग, आप डील करते हो कोई भी, ठीक है, डील वेयरहाउस, ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी। तो वो सब जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ओआर। और आप उसने अगर आपको कुछ याद है फ्रेंड्स तो वो भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कोई ना नहीं बोलेगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैं एक बात भूल गया कि एक पेपर में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओआर पूछा था। तो फ्रेंड्स, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स का क्या आएगा, ठीक है। तो वो मैंने कुछ लिखे हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे कि डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई ऑप्टिमम सॉल्यूशंस, इंटीग्रेटिंग द सिस्टम, इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिवली ऑफ एनालिसिस, मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जैसे कि मैंने पहले बात की थी डेफिनेशन में, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बात की इस डेफिनेशन में कि ओआर इज द साइंटिफिक मेथड, टेक्निक्स, टूल्स एंड प्रॉब्लम टू इम्प्रूविंग द ऑपरेटिंग ऑफ द सिस्टम टू प्रोवाइड दोज कंट्रोल ऑफ द सिस्टम विद ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बात की थी उसमें कि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगा, ठीक है। और अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, ठीक है, वर्क कर रहे हो, तो फिर आप क्या सोचोगे कि भाई मैं ऐसा क्या काम करूँ जिससे मेरी जो इनकम है वो ज़्यादा हो, ग्रो हो, ठीक है। तो यही है, मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सक्सेस इन कॉम्पिटिशन एंड मार्केट लीडरशिप। सो फ्रेंड्स, यही है हमारा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ यार फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अब मैं कसम से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ ओआर ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, यही वीडियो में कवर में कर दूंगा, कर ही दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप तो होगा ना यार व्हाट्सअप का, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दो यार, प्लीज़ थोड़ा ग्रो कर दो प्लीज़। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।